فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک و الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا للعالمين. حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بچوں، اج دی محفل پاک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر منعقد کیتی گئی ہے، جہدے اندر میں تسی حاضراں دعائے کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ لیے قبول منظور فرمائے. میں تو پہلے عمر باز سلطانی محمد ادران بابر سلطانی نے سرکار دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دے حوالے نال چند منٹ عرض کراں گا. دعائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم دا 15واں سپارہ اودی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. فرمایا پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے خاص مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک، اور او مسجد اقصا جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے، لے نورے یا ہو میں نا یا تینا. فرمایا میں سیر کیوں کرائیے، اپنیاں نشانیاں دکھانیاں سن. میرا محبوب انہاں نشانیاں نو دیکھدا بھی رہا اور جو دسیا گیا انہوں سندا بھی رہا. گویا کہ معراج شریف دا عنوان رب العالمین نے اپنی ذات تو شروع کیتا، اودی وجہ کی ہے کہ اے ایسا ایک عظیم پروگرام آ جڑا بندے عقل نہ سمجھنا چاہن تے عقل وچان والی گل نہیں ہے. رب العالمین نے اپنی ذات نو اگے رکھ کے اس بات نو شروع کیتا کہ میں سیر کرائیے، اور سیر
इस आयत के अंदर अल्लाह ने जमीन तो जमीन तक का ही जिक्र किया, मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा यानी बैतुल्ला शरीफ तो शुरू किया और बैतुल मुकद्दस तक ये महबूब नू अल्लाह ने सैर कराई। दोनों ही किबले ने, बैतुल्ला भी किबला वा अंबिया दा उम्मतां दा हुजूर दी उम्मत दा भी, बैतुल मुकद्दस भी किबला वा पहले नबियों दा, ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा नबी इस इलाके च आए ने जिथे बैतुल मुकद्दस आ जिहड़ा इस वेले यहूदियों के कब्जे में आ, फलस्तीन इसराइल के कब्जे च आ बैतुल मुकद्दस। रब्बुल आलमीन ने जो बैतुल मुकद्दस का नाँ लिया तो फरमाया कि बैतुल मुकद्दस वो जगह वा जिदे इर्द गिर्द असां बरकतां रखियां होईयां ने। वो बरकतां किस गल दियां ने? वैसे तो कल्ले कल्ले लफ्ज़ ते ही गल करन वाली आ। असरा कहंदे ने सैर नूं, लैल कहंदे ने रात नूं। अल्लाह कहंदा वा कि मैं सैर कराई है रात, और रात केड़ी है? जिहड़ी ऐ सताईवीं रात, अंधेरी रात आ, कोई भी किसी पास चानण का इंतजाम नहीं। हालांकि चौदहवीं दी रात आए चंद काफ़ी रोशन हुंदा वा, दिन वाला माहौल बन जाता वा। रब्बुल आलमीन तू सैर ही करानी सी ते अपने महबूब नूं दिने करा लैन दो, या फिर रोशन रात चौदहवीं दी रख लैनी सी, तो अल्लाह की बारगाह च आवाज़ आती है कि इहो ते मैं लोगों नूं दसना चाहना कि मेरा महबूब रोशनी का मुहताज नहीं है। ये रोशनी साड़ी जरूरत आ, वो तो खुद सराजे मुनीर आ, चमकदा होया आफताब आ, उन्हूं रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। तो दिखाया कि ये निशानियां, अंदाजा करो ना, निशानियां देखिया ने, सैर की है तो की है रात। चलो साढ़े अर्गा बंदा आवे तो कहे भी चलो जो सैर ही करनी है तो फिर रोशनी का इंतजाम कर लो, ताकि जिहड़ी शायद बंदा देख के आवे वह देखे तो सही ना है कि सी किदां दी सी। तो सारा ही सफ़र सारी सैर बड़ी अनोखी है, ये मेराज आ महबूब दा, कायनात दे अंदर रब दे महबूब नूं अल्लाह ने सैर कराई है। कली कली ते गल करिए ते बड़ा टाइम लगेगा, मुख्तसर बात कर लैने आ। तफसीरां दे अंदर सीरत दियां किताबां दे विच बात मिलती है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले भी नबियां नूं मेराज कराया वा। आदम अलैहि सलाम दा मेराज पता कित्थे सी? जन्नत दे अंदर। कुरान दा पहला सपारा दसदा है कि आदम अलैहि सलाम दे अंदर अल्लाह ने जदों रूह दाखिल कीती है, पहले हालात यही दसदे आ कि आदम अलैहि सलाम दा वजूद जमीन ते बणिया, तफसीरां भी यही साबित कर दिया ने। फिर रब्बुल आलमीन ने जमीन तो उन्होंने आसमाना ते जन्नत च लिया गया। तो जन्नत किन्नी क दूर आ? कुरान दस रहा वा सूरत नजम के अंदर कि जन्नत जिहड़ी आ ना सिद्दतुल मुंतहा दे करीब है। इनका सिद्दतुल मुंतहा, इनका हा जन्नतुल मावा। सिद्दतुल मुंतहा किथे आ? सत्ता आसमाना के उपर। वाकया मेराज जो आप पढ़ने ना हदीस दियां किताबां चो, जैसे असी वाकया मेराज हदीसे पाक दे विचों पढ़ने ना, तो फिर इस सारियां गल्लां दा वजूद जिहड़ा नज़र आ जांदा, आसमाना दा वजूद भी नज़र आ जांदा वा, जन्नत दा जिक्र भी मिल जाएगा, सिद्दतुल मुंतहा दा जिक्र भी मिल जाएगा, कित्थे कित्थे किहड़ी शै वा। ये जदों बंदा वाकया मेराज पढ़दा वा तो उहनूं फिर सामने चीज़ां आ जांदियां ने। रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहि सलाम नूं मेराज कराया तो जन्नत दाखिल कर दिता हज़रत आदम और उन्होंने बीवी नूं। फिर कुछ देर तो बाद आदम अलैहि सलाम नूं जन्नत दे विच्चों जमीन ते लै आंदा। यह उन्हां दा मेराज सी जिथे नाले फरिश्तियां ने भी सजदा किया। वारी आई नूह अलैहि सलाम दे मेराज दी, तो नूह अलैहि सलाम दा मेराज कित्थे होया? कश्ती दे अंदर। बाकी हर शै गर्क हो गई, बचे नूह अलैहि सलाम और वह लोग जेड़े कश्ती के अंदर सन। इब्राहीम अलैहि सलाम का मेराज कित्थे होया? चिखा दे अंदर। अल्लाह ने चिखा दे अंदर उन्होंने बुला के उत्थे नाले अपना दीदार कराया ते नाले मेराज कराया। अजीब मेराज नबियों के, कुरान खुद बयान कर रहा। सैयदना ईसा अलैहि सलातो सलाम नूं मेराज होया चौथे आसमान ते खड़के।
अज भी ईसा अलैहि सलाम चौथे आसमान ते मौजूद आ। मूसा अलैहि सलातो असलाम का मेराज सी को तूर ते। मूसा अलैहि सलाम का किस्सा जिक्र मिलता है कि जो अल्लाह का हुक्म आया ना कलीम तुसी को तूर ते आओ और 40 दिन रोजे रखो आन के थे। 40 दिन तो रोजा तो बाद सैयदना मूसा अलैहि सलातो असलाम के नाल अल्लाह ने कलाम फरमाया। कलाम फरमान तो बाद मूसा अलैहि सलातो असलाम जो अल्लाह ना हम कलाम होए ना तो यह इंसान की फितर आता भी किसी भी बंदे ना बंदा मोबाइल ते गल कर रहा होवे ना उहदी आवाज़ सुन के तो फिर मज़ा आ रहा होवे तो दिल करता कि सामने आवे तो मैं देखा कि कितना का खूबसूरत होगा भी इन्नी सोहनी आवाज़ जिदा तुम कोई नात खूबसूरत आवाज़ सुनते हो तो दिल करता नात खान सामने देखा जाए कि सब बंदा भी किदा बोलता। मूसा अलैहि सलातो असलाम ने जो अल्लाह ना कलाम किया ना तो दिल च तड़े पैदा हुई या अल्लाह तेरी आवाज़ एड्डी सोहनी आ तेरा कलाम इन्ना खूबसूरत है मेरा दिल चाहता कि तेरा दीदार भी करा। रबे यार नहीं या अल्लाह मैं तेनू देखना भी चाहना वा। अगो आवाज़ आई लन तरानी मूसा तू मैनू नहीं देख सकता मैं तो दिखा देवगा लेकिन तू नहीं देख सकता। आख्या मौला नहीं दिखा मेरा दिल चाहता तेन मैं वेखा। आ जड़े बंदे कहते ना कि असं हर वे रब न वेहने ये सब झूठ बोलते हैं। मूसा अलैहि सलाम कहते या अल्लाह मैं तेन देखना आवाज़ आती है कि मेरे कलीम तुसी नहीं देख सकते मैं तो दिखा देवगा तुसी नहीं देख सकते। आख्या नहीं मैनू दिखा। अल्लाह ने फरमाया जरा फिर पहाड़ अल तवज्जो करो। कुरान दसदा चौथा सपारा 18वां सपारा सूरत आराफ के अंदर जिक्र आंदा। फिर कुरान कहता है कि चमक पई ना जो नूर दी अल्लाह की तजली दी। मूसा अलैहि सलातो असलाम उस चमक नूं बर्दाश्त ना कर सके उस वेले गिरे ते बेहोश हो गए। सूरत आई कुछ देर तो बाद बस माड़ी जी नूर दी झलक देखी ते कुरान एक होर भी वाकया बयान करता वा कि जो मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम नूं कहा ना भी अल्लाह नूं मनो उन्हें पता की आख्या मूसा अलैहि सलाम असी मन्नांगे सही पर मन्नांगे उदों जदों देख लवांगे। मूसा अलैहि सलाम ने बथेरा समझाया गल सुनो अल्लाह नूं देखना एडा सौखा काम नहीं मेरी गल ते यकीन करो मन लवो। उन्हें कहा ठीक है तुसी अल्लाह दे नबी हो पर असी एदा मनना नहीं उदों मन्नांगे जदों असी अपनी अखां नाल देख लिया। मूसा अलैहि सलाम बजाते परेशान हो गए या अल्लाह हुण की करिए एक कौम ने एक जिद फड़ ली आ उन्नी देर तक मनना नहीं जिनी देर तक अखां नाल वेख्या ना। तो अल्लाह ने फरमाया कलीम तुसी परेशान कत होंदे हो लिया उन्होंने हुण दिखा दें। अल्लाह का कुरान दसदा है कि मूसा अलैहि सलाम ने उन्होंने कहा चलो भी तैयार हो जाओ जिन्हें जिन्हें रब नूं देखना। वैद कुल तुम या मूसा लन्नो मिना लाका हत्ता नार अल्लाह जहरा तन फा खजत कुमुसाइका तो व अंतुम तन जरूर। आख्या कि उन्नी देर तक नहीं मनना जिनी देर तक रब नूं वेखना लिया। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया आओ चलो दिखा दें भाई जे तुसी देखना ही है तो अगर देख के ही मनना तो इदा ही मान लो। जो 70 आदमी वो खड़े अपनी बस्ती दे जिहड़े चौधरी सन सरदार सन जिन्हां दे पिछे कबीले सन तूर ते खड़ के आख्या या अल्लाह आगे दे ते दिखा दे अपना आप इन्हां नूं। कुरान की कहिंदा फाखा जद को मुसाइका बस चमक पई थोड़ी दी तो 70 आदमी उत्थे ही मर गए बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह दे नूर दी तजली उन्हां दे वस दा रोग ही नहीं सी है उत्ते इक ज़िद सी ना कि असीं अल्लाह नूं देख के मरना। मूसा अलैहि सलातो असलाम ने जदों देखिया ना भी 70 आदमी वो बंदे जिहड़े कबीले दे सरदार सन चौधरी किस्म दे आदमी सी मर गए ने अगर मैं वापस इसे तरह चल गया कल्ला तो फिर कौम बड़ा अजीब तमाशा बनेगा बड़ा मंदा हाल होना है। मूसा अलैहि सलाम ने उस वेले अल्लाह की बारगाह दुआ की या अल्लाह इन्हां नूं दोबारा जिंदा कर दे ताकि मैं वापस कल्ला ना जावां जिहड़े मेरे नाल आए सन ये भी मेरे नाल जाण। यूं ही मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की 70 बंदे दोबारा जिंदा हो गए। इन सारियां गल्लां ज़हन च रखियो और इमाम अलंबिया का जो मैं मेराज बयान करांगा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नूं सामने बह के देख के आए ने
नूर नहीं देखिया, अल्लाह की जात नू देखिया। वो मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम जदों कोहतूर पहाड़ तो वापस आंदे ने, तूर दी तजल्ली दा इन्ना असर होया वा, अल्लाह दा नबी हर वेले अपने चेहरे ते नकाब रखदा वा, कोई भी बंदा देखण दी ताकत नहीं रखदा। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम दी नज़र जिस बंदे ते पैंदी है, जिहड़ा इंसान सैयदना मूसा अलैहि सलाम नूं देख लैंदा वा, बिनाई खत्म हो जांदी है। अंदाजा करो जरा, हर वेले मोटा कपड़ा चेहरे दे अगे नकाब करके रखदे सन। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम दी बीवी कहंदी है, आका बड़ी देर हो गई है, त्याडे चेहरे दी ज़ियारत नहीं कीती, हर वेले नकाब रखदे हो, ऐसा करो थोड़ा जिहा दीदार ते कराओ, मेरा दिल चाहुंदा वा त्याडे चेहरे दी ज़ियारत करां। सैयदना मूसा अलैहि सलाम अपनी बीवी नूं फरमांदे ने, बात एवं अगर मैं अपने चेहरे तो नकाब हटावांगा तो मैनू देख नहीं सकेंगी, बिनाई खत्म हो जाएगी। बीवी अर्ज कर दी, आका ऐसा करो मेरिया दो अखा ने, एक अख मैं बचा लैनी हाँ, दूसरे ना दीदार कर लैनी हाँ। थाओ ना थोड़ा जहा नकाब। उन्होंने एक अख बंद कर ली, एक खोल ली। यूं ही मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम चेहरे तो नकाब उठाते ने, बिनाई जदों सामने नजर पैंदी है, नूर दी शवा उठदी है, उस वेले मूसा अलैहि सलाम दी बीवी दी नज़र खत्म, अख जाया हो गई। लेकिन मजा बड़ा आया, सरूर बड़ा आया। फरमाया मैं तेनू कहा नहीं सी कि तुसी ना देखो, तुसी बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। अज कहते हजूर मजा बड़ा आया वा, दिल करदा वा मैं दूसरी अख नाल भी नजारा कर लवां। फरमाया गल ए वा, अगर दूसरी अख नाल देखोगी अख ओ भी जांदी रहेगी। और मुफस्सरीन लिखते ने, इस नजारे तो बाद मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम काली स्याह रात दे अंदर तीयां मीलां ते दूर चूंटी चलदी होई काले रंग दी उन्हों भी देख लेंदे सन। अल्लाह दे नूर दी तजल्ली दा इन्ना असर अखां दे अंदर आ जांदा वा। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम एडी दूर रात अंधेरी दे अंदर पहाड़ ते चूंटी चलदी देख लेंदे ने। जरा तवज्जो फरमाओ इमामुल अंबिया, जिन्ना रब दा दीदार कीता वा ते नकाब कोई नहीं, हजाब कोई नहीं, उस महबूब दियां अखां दे अंदर अल्लाह दे नूर दा कैसा कमाल होवेगा। ये तो मूसा अलैहि सलाम झलक देखी है, अल्लाह नूं तो नहीं देखिया। इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम दा मेराज सारे नबियां नाल अनोखा वा। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम कोहतूर ते चल के जांदे ने, मुस्तफा चल के नहीं, अपने घर दे अंदर आराम फरमा रहे ने। जबरील आवाज दित्ती रब्बुल आलमीन, ए जबरील आओ रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो जांदे ने। रब्बुल आलमीन की हुक्म, फरमाया मेरा महबूब मैं चाहना वा अज अपने महबूब की मुलाकात करम, महबूब का दीदार करम। ए जबरील जाओ जमीन ते मेरे महबूब नू लैके आवो। आख्या ठीक है मौला तेरा हुक्म, को खसूसी इंतजाम है? फरमाया हाँ। ऐसा करो अज जहन्नम बजा दिता जावे, जन्नत सजा दिता जावे, आसमान दे दरवाजे खोल दिते जान। और याद रखो जदों तो कायनात बनी आ सिर्फ दो वरां जहन्नम नू बजाया गया है, उहदा अजाब रोकिया गया वा सिर्फ दो वरां। एक ओ रात जिस रात रब दा महबूब दुनिया ते आया वा, एक ओ रात जिस दिन रब दा महबूब इस दुनिया तो आसमाना दी सैर वास्ते गया वा। ये दो खसूसी रातां ने जिन्हां रातां दे अंदर रब्बुल आलमीन ने जहन्नम नू बजाया वा, अजाब खत्म कीता वा, ताकि अज रात कोई भी बंदा अजाब च मुबतला नहीं होना चाहीदा। भावें काफर ही हो, भावें जहन्नम के अंदर ही हो, लेकिन अज की रात उन्होंने इस अजाब तो रोक लिया जाए, फिर अजाब देने वास्ते दिन बथेरे ने।
इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों आराम फरमा रहे ने जबरील अल्लाह दे हुक्म दे मुताबक जन्नत दी सवारी लैके आंदे ने, इस सवारी दा नाम बुराकम, स्पीड किन्नी है, इहदी स्पीड इन्नी आ, इमाम अलंबिया फरमांदे ने जिस जगह ते निगाह पैंदी है दा कदम उत्थे पैंदा वा। उस दौर दी तेज तरीन सवारी आ, सकिंटां दे अंदर करोड़ां मील सफर करन वाली सवारी बुराक, बरक दी जमावां ते बरक कहंदे ने बिजली नूं। जन्नत दी सवारी पहली बार जमीन ते आई आ, और आई आ महबूब दी खातर। उलमा ने लिखिया किताबां दे अंदर कि हज़रत आदम अलैहि सलाम अगर आसमानां तों जमीन ते आए ते बुराक ते बह के नहीं आए, ईसा अलैहि सलातो सलाम जमीन तो आसमाना ते गए ते बुराक ते बह के नहीं गए, अल्लाह ने अपनी कुदरत नाल उठा लिया। मुस्तफा दे वास्ते सवारी आई है जिदा नाम बुराक आ। बुराक सवारी मुस्तफा दी खिदमत दे अंदर हाजिर हो जाती है रब्बुल आलमीन दी बारगाह। जबरील अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह तैयारी करो, अल्लाह दे महबूब आराम कर रहे सन। जबरील ने मुस्तफा दे कदमां दे बोसे ले ने, बोसे लै के मुस्तफा नूं बिदार किया जा रहा वन। महबूब जदों बिदार हुंदे ने और जन्नत दे अंदर जदों बुराक लैण वास्ते जबराइल अलैहि सलातु वस्सलाम हाजिर हुंदे ने, इह वी बड़ी मजे वाली गल आ। जन्नत दे अंदर 40,000 बुराकां, खूबसूरत तो खूबसूरत, हसीन तो हसीन, आला तो आला बुराक आ। उन्हां 40,000 बुराक दे विच्चों एक बुराक जन्नत दे अंदर रह रहा वा, लेकिन है बड़ा परेशान, कमजोर लागर। जबरील देखदा हुण सारिया बुराकां नूं, आखर उस बुराक दे कोल चले गया जिहड़ा जन्नत दे अंदर रह के भी परेशान आ, अखां दे अंदर आंसू है, कमजोर आ। जबरील ने सलाम पुछदे ने बे की गल है जन्नत दे अंदर इन्ने सोहणे बुराक, इन्ने हसीनो जमील, और तेरी हालत ते क्यों वा? जबरील मैं क्यों ना परेशान होवां, हजारां साल पहले मैं रब दे महबूब दा नां सुनिया सी, जदों दा महबूब दा नां सुनिया वा उदों दा उहदे नाल इश्क हो गया वा। बस उहदे गम दे अंदर, उहदे हिजर दे अंदर, उहदे फराक दे अंदर मेरी इह हालत हो गई जिहड़ी तुसीं देख रहे हो। आशिक दा कम रोणा तोणा ते बिन रोया मंजूरी, जरा कह दियो सुभान अल्लाह। आशिक दाओ कम रोना तोना ते बिन रोया नहीं मंजूरी। ओ दिल रोवे पवे अखियां रोवण ते रोवण हिजरे जरूरी, कई ते रोंदे ओ दीद दिखातर ते कई रोंदे विचे हजूरी। आज़म इश्क विच रोना पैंदा ते पावे वसले होवे पावे दूरी, आज़म इश्क़
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਸਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਜਬਰੀਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇਸੇ ਬੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਬਰੀਲ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਉਸ ਬੁਰਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੁਰਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਤ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਜਬਰੀਲੋ ਕਬਲ ਕਦਮੈਨ ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਨੂਰ ਦਾ ਵਾ ਮਗਰ ਹੋਂਟ ਉਹਦੇ ਕਫੂਰ ਦੇ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਨੂਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਂਟ ਕਫੂਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸ਼ਤਰਾ ਲਿਕਾਇਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਲ ਅਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਗੁਲਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਮਿਰਾਜ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਈ ਨਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕੇ ਤਲਮੋ ਕਦੋਂ ਹਯਾਤ ਤਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ ਕੇ ਤਲਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹਯਾ ਬੇਹਯਾਤ ਹੈ ਵੋ ਜਾਨੇ ਮਸੀਹਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਵੋ ਜਾਨੇ ਮਸੀਹਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਵੋ ਜਾਨੇ ਮਸੀਹਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਮੁਸਤਫਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਬੁਰਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾਕ ਸ਼ੋਖੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੁਰਾਕ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹਿਲਦਾ ਵਾ ਜਬਰੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ
ओ बुरा ठहर जा, तेनु पता नहीं तेरे ते कौन सवार होण लगा वा। ख्याल कर, बुराक कहंदा जबरील मैनु पता वा रब दा महबूब मेरे ते सवार होण लगा, फिर क्यों शरारत क्यों करना, हिलना क्यों वा? उन्हें आखिया मैं अपनी किस्मत ते नाज करना वा, या अल्लाह मौका आया वा तेरे महबूब की सवारी बन जा वा। अच्छा आका मेहरबानी फरमाओ, अगर हुण करम फरमान लगे मेरे ते सवार होण लगे हो ना तो मेरी भी एक अर्जा। इमाम उलंबिया ने फरमाया बुराक दस तू की कहना चाहना वा। बुराक अर्ज की मदीने दे ताजदार, ए रब दे प्यारे महबूब मेरी तमन्ना ए वंद, मेरी आरजू ए वंद, या रसूल अल्लाह जिदा अज तुसी मेरे ते सवार हो रहे हो मैं ते तुहाडी सवारी बन रहा वां। आका जदो जन्नत दे अंदर दाखल होवो उदो भी सवारी वास्ते मैं हाजिर होना चाहिदा वां। ये हुणे मंजूरी दे दिते जावे, हुणे करम फरमा दिता जावे। इमाम उलंबिया फरमांदे ने बुराक ठीक है, फैसला हो गया, कल जन्नत दे अंदर मैं जदो दाखल होवांगा सवारी तू होवेगी, सवार मुस्तफा होवेगा। और हजूर ले सलातो सलाम इस सवारी ते सवार हो के सफर नहीं शुरू कर लिया, इत्थे एक होर गल कीती है। हजूर अजे सवार नहीं होए, बुराक सामने खड़ा वा, बुराक ना बात भी हो रही है। इमाम उलंबिया अचानक परेशान हो जाते ने, अखां दे अंदर आंसू। जबरीन हाथ जोड़ के अर्ज करते ने आका की गल, हुण परेशानी वाली केली गल ने? आका अल्लाह ताला ने तुहाडी खातर अज बड़ा खसूसी इंतजाम किया होया वा, तुसी परेशान क्यों? इमाम उलंबिया फरमाते ने जबरील मैं परेशान इस वास्ते हाँ, तेनू पता वा मेरे रब का फैसला वा, कल हर बंदे ने पुलक सरात क्रॉस करना होगा, जिदी पमैश बड़ी है उहदी लंबाई बड़ी है, और फिर तेज तलवार नालों ज्यादा बरीक वाल नालों हर बंदे ने इहदी गुजरना होवेगा। मैं सोचना वा मेरी उम्मत गुनाहगार ते गुनाहां दा बोझ लैके पुल सरात किदा क्रॉस करेगी। आका घबराओ ना, मैं अल्लाह कोलों ये भी वादा लै लिया, जो क्यामत आले दिन बाकी उम्मत पुल सरात तो गुजरन गिया मैनु कोई परवाह नहीं। आका जो तुहाडी उम्मत गुजरेगी मैं अपने पर वछा देवांगा। घबराओ ना, तुसी परेशान ना होवो, अल्लाह दा वादा वा वाला सौफा योती का रब्बू का फतर दा, मेरे महबूब मैं तेनू इन्ना अता करांगा कि तू राजी हो जावेगा। बल्कि गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ, आया सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार, एक सारे कह दियो, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, ओ मेरे गुलाम घबरा ना परेशान ना हो, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार, और सर सजदे में होगा खुल जाएगी जुल्फे, सर सजदे में होगा और खुल जाएगी जुल्फे, गुनागार की बख्शिश का
वो असरार करेंगे। या अल्लाह मेरी उम्मत नु माफ कर देन, इधरों जहन्नम अपने जोबन ते होवेगा, सूरज सवा नेजे ते होवेगा, महबूब देख के परेशान हो जाएंगे। रब फरमाएगा ए मेरे महबूब परेशान न हो, या रब्बुल आलमीन इस अग नु देख के भी परेशान न होवां, इधरों सूरज गर्मी दे नाल जमीन नु तांबे दी तरह तपाया होया वा। अल्लाह दी बारगाह च आवाज़ आवेगी, ये मेरा कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, ये कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, और तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब परेशान ना हो, जेड़ा तेरा ना लैन वाला होवेगा, तेरे नाल प्यार करने वाला होवेगा, उनू दोजख दी हवा भी नहीं लगेगी। ये तो सारा कुछ तेरे गुस्ताखां वास्ते आ, तेरे बेअदबां वास्ते जिन्हें तेरी शान नू समझिया नहीं। इमाम अल-अंबिया फिर बुराक ते सवार होए, और बुराक किन्ना स्पीड ना चलता, जरा अंदाजा करो, जिथे नजर जाती है पहला कदम उथे रखता। फरमाया थोड़ी देर दे अंदर एक जगह आई, अल्लाह कहता है ना सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन्ना यातिना। मैं अपने महबूब नू अपनियां निशानियां दिखाणियां ने। इमाम अल-अंबिया फरमांदे ने उस जगह ते खजूरां दे बाग, जबरील अर्ज कीती आका थोड़ी देर ठहरों, तशरीफ लैके आऊं। इमाम अल-अंबिया फरमांदे ने उस जगह ते मैं थले जमीन ते बुराक तो उतरना वा, आका दो नफल अदा करूं, नफल अदा करन तो बाद जबरील अर्ज कीती या रसूल अल्लाह पता है केड़ी जगह वा? फरमाया जबरील दसो, आका ए ओ जगह वा जिदा ना ते यसरब आ, मगर तुसी इस जगह ते आओगे दा नाम मदीना तुल मुनवरा हो जाएगा। ये वो जगह वा जिथे तुसा हिजरत फरमा के आना। फरमाया मैं फिर बुराक ते सवार होया, मेरी सवारी अगे चल पैंदी है, एक सुरख टिब्बा आंदा वा टिल्ला आंदा वा, इस जगह तो जदों मैं गुजरना वा। हुण जरा अंदाजा करियो सवारी इन्नी तेज आ, जमीन ते नहीं चल रही, फजा के अंदर जा रही है। जिदा जहाज च बंदा बैठा होवे ना, उहनू थले जमीन की कोई शह का भी पता लगता नहीं। जिन्हें बंदे ने हाजी बैठा अपना सफर, जिन्हें बजा ने जहाज का सफर किया, उन्होंने पता जमीन से तो शाय कोई नजर नहीं आती, मगर मुस्तफा इन्नी तेज सवारी ते बैठा होया वो। फरमाया जो मैं टिब्बे के कोल गया ना, मैं वेख्या किया रही तो मूसा कायम युसल्ली फी कब्रे ही, मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र च खड़े होके सलात पढ़ रहे हो। मैं वेख्यो रही तो मूसा कायम युसल्ली खड़े होके फी कब्रे ही अपनी कबर दे अंदर, पता चलिया अल्लाह दा नबी दुनिया ते होवे ते फिर भी अल्लाह दी नमाज पढ़दा, कबर विच होवे ते फिर भी अल्लाह दी नमाज पढ़दा। इस जगह ते उलमा ने ना तीन चार माने कीते ने जेड़े कुरान चो ले जांदे ने। नमाज दा माना एक ते नमाज आ, बाकी मुसला नमाज दा माना एक दवा भी आ। खुज मिन अमवालिहिम सदकतन तुताहिरुहुम तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन सलाताका सकनुल्लाहुम वल्लाहु समीउन अलीम। नमाज दा माना दुरूद भी आ, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उलमा कहंदे ने कि मूसा अलैहि सलाम केड़ा काम कर रहे सन, नमाज ए सजदे रुकू वाली कर रहे सन, या दुआ कर रहे सन, ते या फिर मुस्तफा ते दुरूदो सलाम पढ़ रहे सन। उन्हें क्या गल आ, मूसा अलैहि सलाम नूं पता तो लग गया ना कि अल्लाह का महबूब आ रहा वा। अगर वह नमाज पढ़ते भी सी, अपने नमाज उन्हें मुकम्मल कर ली, फिर मुस्तफा दी आमद की खुशी च उठ के खड़े हो गए और हजूर ते सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिता।
तो या फिर दुआ कर रहे सर या अल्लाह जो तेरा महबूब तेरी ज़ियारत करके आवे तो सब तो पहले मुलाकात मेरे नाल हो जाए। तिने अमल ठीक है, तिने ही माने ठीक आते इस जगह पर। और याद रखो अल्लाह का नबी कब्र च जाके खत्म हुंदा नहीं। इस्माइल देलवी ने एक कोलों गल लिखी अपनी तकवीयतुल ईमान के अंदर, अपने कोलों गल लिखी है, कहता है कि हजूर ने फरमाया सी कि मैं भी मर के मिट्टी च मिलने वाला वहां तो वह नौज बिल्ला। अपने कोलों ने गल लिखी है, किसी हदीस से गल नहीं है, बल्कि हदीसे पाक दे विचों गल की मिलती है। फरमाया कि अल-अंबिया अहयाउन फी कबूरहिम युसल्लून, अल्लाह के नबी सारे जिंदा ने ते अपनी कबर च नमाज पढ़ते आ। हदीस चो यह गल मिलती आ, ये जरा कि मर के मिट्टी मिल के तौबा नौज़ बिल्ला कोलों उस बंदे ने गल लिखी आ। तो हजूर ने फरमाया सी जिहड़ा कोई बंदा अपने कोलों गल करके मेरे वल ला देगा वह बंदा की है जहन्नमी। ये तकवीयतुल ईमान की किताब उहदे विच लिखिया। और वह दो ही घर का पसंदीदा बंदा बाबियां और देवबंदियां का। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फिर मिस्र का इलाका आ गया, मक्के तो सवारी चलनी हुई है मिस्र का इलाका आ गया, फजा के अंदर सवारी जा रही है। अल्लाह के महबूब फरमाते ने मैनू जन्नत की खुशबू आन लग पई, जन्नत की खुशबू। इलाका मिस्र का जिस जगह पर फिरौन ने हुकूमत की सी, जबरेल भाई ये जमीन तो जन्नत और यदि खुशबू क्यों आ रही है? अर्ज कीते या रसूल अल्लाह गल ये आ कि फरियाउन की बेटी सी ते ओदी खादमा सी, ओदे वाल सवार दी सी, कपड़े सवार दी सी, ओदी तैयारी करांदी हुंदी सी। फिर आका एक दिन इस तरह होया कि वह कंघी कर रही सी, वह बच्ची जड़ी सी कंघी जमीन ते गिर गई, उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो कंघी उठाई। फिरौन की बेटी कहती है कि तू मेरे बाप का नाँ लिया? उन्हें कहा नहीं, मैं उस रब का नाँ लिया जिहड़ा कायनात का मालिक आ, तेरे बाप का भी रब आ। यह गल उन्हें फिरौन नूं दसी अपने बाप नूं कि यह जिहड़ी साडी नौकरानी है ना, अज इहने आह गल कीती है, तैनू रब नहीं मानती। फिरौन रब बनिया सी ना, आना रब्बुकुम अलआला कहिंदा सी मैं वड्डा रब हाँ। फिरौन ने आख्या पुछ लें हुणे इस बच्ची नूं, पुछया हाँ बई तू वाकई आ गल कहनी? उन्हें कहा हाँ मैं कहनी हाँ। उन्हें कहा फिर कहनी है तो इस गल नूं छड्ड दे, रब ते मैं वां। उन्हें कहा तू होएगा पर मैं तैनू नहीं मनदी, मेरा खानदान भी तैनू नहीं मनदा, मेरा शौहर भी नहीं मनदा, असीं नहीं तैनू मनदे, असीं ते रब्बुल आलमीन नूं रब मनने। मुसलमानों जो इन्नी बात होंदी है फरियाउन कहता बाज आ वरना मैं असी सजा दवांगा, याद रखेंगी। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, जो करना ही कर ला, मैं अपनी इस गल तो बाज नहीं आवांगी, रब्बुल आलमीन नूं रब मन्निया वां, उहनूं इमाम मन्नण तो बाद मैं होर किसे नूं रब नहीं कह सकदी। फरियाउन कहण लगा लग जांदा है पता, हुणे इहदे वास्ते अग जलाई जावे, उत्ते कड़ा रखिया जावे, उहदे अंदर तेल पा दिता जावे, जदों तेल रजना शुरू हो जावे इहदे शौहर नूं लियांदा जावे, इहदे बेटे नूं लियांदा जावे, इहदा खानदान इकट्ठा कीता जावे, इहदियां नज़रां दे सामने वारी वारी उहनां नूं इस चिखा दे अंदर इस तेल दे अंदर गराया जावे, लग जांदा है पता किन्नी क अकीदे दी पक्की है। शौहर नूं उठाया, उस तेल दे अंदर गरा दिता, उसे वाले खत्म। फिर होर उहदा जिहड़ा करीबी सी उहनूं उठाया, अग दे अंदर पाया, तेल दे अंदर जाके वह भी खत्म हो गया। मासूम छोटा जिहा गोदी दे अंदर बच्चा सी, उहनूं उठा के जदों उस तेल दे अंदर गराउण लगे ने, मां दा कलेजा हिलिया, मां परेशान हो गई, मासूम बच्चा नजरां दे सामने, पता वा जिहड़ा चिखा च जांदा वा बचदा कोई नहीं, ये बच्चा भी जाएगा मेरे सामने हुणे खत्म हो जाएगा। मां दी ममता तड़पती है, जबान तो कोई बात कहना चाहती है, वो छोटा जा मासूम बच्चा बोलन लग पैंदा वा, अम्मा घबरा ना, ये जिंदगी खत्म नहीं हो रही बल्कि हमेशा दिया ता हो रही है।
मेरे रब दा ऐलान जड़ा मेरे रस्ते ते कतल हो जांदा वा लोगों नू मुर्दा नू कवो जिंदा वा ऐसी उन्हां दी जिंदगी है तुसी जिंदगी नू समझ नहीं सकदे। ए बच्चा बोलदा वा बच्चे नू भी गिरा दिता जांदा आखर उस औरत नू भी गिरा दिता जांदा वा इस जगह ते उन्हां दीआं कबरां बन गईआं। इमाम लंबिया फरमांदे ने मेराज वाली राती जदों मैं सलाके तो गुजरिया ते मैनू जन्नत दी खुशबू आ रही आ पता चलिया नेकां लोगां दीआं कबरां जन्नत दे बाग बन जांदे आ। नेकां बंदिआं दीआं कबरां जन्नत दे बाग। अगर कोई बंदा कवे जी जे बाग आ ते सानू खुशबू क्यों नहीं आउंदी, जन्नत च खुशबू आनी चाहीदी है तो सीधी जी गल है कड़ी कोई परेशानी वाली गल आ। और जिदा कोई बंदा पाक पतन गया सी ना बाबे फरीद के दरबार से लंघ के आया उतों बिश्ती दरवाज़ा तो बंदा कोई दूसरा मिल पिया कहन लगा जी कित्थे गए सी, उन्हें कहा पाक पतन गए सी। उन्हें कहा माशाल्लाह फिर बिश्ती दरवाज़ा भी लंघे, उन्हें कहा बिल्कुल लंघे सी। उहदे नाल कपड़ियां नूं सुंघण लग पिया, कपड़िया सुंघण लग पिया। उन्हें कहा की करदे, उन्हें कहा मैं सुंघदा वा तुसीं जन्नत चों जी लंघ के आए हो तो जन्नत की खुशबू भी आती है कि कोई नहीं। वह भी बंदा कोई अल्लाह वाला सी, उन्हें कहा गल सुनो तुसीं सुंघो तो भावें ना सुंघो तुहानू नहीं आनी। उन्हें कहा क्यों, उन्हें कहा जन्नत की खुशबू आती है जंतियां नू, तुहाडा खाता दूसरा तुहानू कित्थों आनी है, तुहानू खुशबू नहीं आएगी। जन्नत की खुशबू जरूर आती है। मां बई ना बई ती बिम्बारी रौदा तुम मेरे आजल जन्ना। इमाम लंबिया ने फरमाया लोगो सुनो मेरे इस मिंबर तो लैके मेरे घर तक जन्नत दा बाग आ। उस बाग च मजा तो आता ही है लेकिन गल फिर उ जंतियां बंद दूसरिया कोई नहीं। मूसा अलैहि सलातो वसलाम की कबर आई, उस बच्ची की कबर आई, हजूर ने फरमाया मैनू खुशबू आई। अगे फिर एक जगह आई बैते लहम, ये केड़ी जगह वा जिस जगह ते सैयदना ईसा अलैहि सलातो वसलाम की पैदाइश हुई आ। पता चलिया जिस जगह ते नबी पैदा हुंदा वा वह भी अल्लाह की निशानी बन जाती है, जिस जगह ते नबी की कबर बनती है वह भी निशानी बन जाती है, जिस जगह ते अल्लाह के वलिया के कदम लग जाण वह भी अल्लाह दी निशानियां बन जांदियां ने। इन सफा वल मरवाता मिन शायरिल्ला, अल्लाह कहता वा सफा मरवा पहाड़ मेरिया निशानियां ने। निशानी होने की वजह इको ही है, उत्थे सईदा हाजरा दे कदम जो लगे हुए ने। हजूर ने फरमाया फिर मैं बैतल मुकद्दस पहुँच गया, उ फलस्तीन के अंदर जिहड़ा अज यहूदियों के कब्जे के अंदर आ। बड़ी अजीब सूरत हाल है, टीवी पर दिखा रहे सन बैतल मुकद्दस से फिर यहूदियों ने सख्ती कर दी है, उतों का जिहड़ा इमाम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया, नमाजियों पर पाबंदी लग गई है। ये दुआ करो कि अल्लाह जिदा पहले बैतल मुकद्दस मुसलमाना कोल सी हुण भी मुसलमानों अता कर दे। यो बैतल मुकद्दस आ जिदा जिक्र करके कुरान ने फरमाया बारक ना हो लाहू ले नूरे याहू में ना याते ना, फरमाया बैतल मुकद्दस ओ बैतल मुकद्दस किबला वा जिदे इर्द गिर्द अल्लाह कहंदा सी बरकतां रखियां ने। मस्जिदां दे अंदर बरकतां हुंदियां ने, अल्लाह दियां रहमतां हुंदियां ने, मगर बैतल मुकद्दस दा जदों अल्लाह ने जिक्र कीता ते नाल फरमाया इहदे इर्द गिर्द भी बरकतां ने, इहदे चार छफेरे ही बरकतां ने। उलमा कहंदे ने चार छफेरे बरकत होने वाली वजह की है, वह कहंदे ने कि वजह यह आ कि चार छफेरे नबियां दियां कबरां ने। जिहड़ा फलस्तीन का इलाका ना हजारों की तादाद के अंदर उत्थे नबियां दे मजार आ, इस वजह तो उस जगह पर बरकत ने। हजूर ने फरमाया फिर मैं बुराक तो उतरिया ना तो नबिया ने मेरा इस्तकबाल किया, अंबिया जिहड़े पहले मौजूद सन अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या हाशिर, इन्हां जुमलियां नाल मेरा इस्तकबाल किया गया, मेरे ते सलाम पढ़िया गया। फिर उस जगह ते जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान पढ़ी, जबरील ने अजान पढ़ी। कली कली गल जिहड़ी उत्ते गौर करना पएगा और ज़हन च बिठाना होएगा अजान है किहड़ी सी, ओ क्या ए अजान पढ़ी सी अली वलीउल्लाह वसीय रसूल खलीफा तो बिला फसल,
मैंने पता लगा साहबजादा फैसल हसन ने ना जो इतने अपने पिंड भी आए दो तीन दफा, उन्हें खरे मुनाजरा किया, उन्हें कहा दिखाओ ना अजान है कितने आ। अजान तो वह ना जी जबरील ने पढ़ी सी वो कि जी असी पढ़ने ए अजाफी बाद कम हो जावा। तो याद रखो असल चीज जी बनावटी रल सकती, भावें किन्ने भी चंगा जुमला वा मगर वह अजान का हिस्सा तो नहीं ना बन जाएगा। जबरील ने अजान पढ़ी आ, सारे नबी उस जगह ते मौजूद ने, तादाद 1,24,000 1,24,000 नबी ने, और सारे नबी वो ने जड़े अपने कबरां विच गए हुए सन। एक गल नूं भी ज़हन च बिठा लो जरा, जो नबी उत्थे आए ने उन्हां दी रूहां नहीं सी आईयां, जिसम दे नाल आए सन। यह नहीं भी वह जिसम कबरां विच सी, सिर्फ रूहां ही आईयां ने। अगर कोई ऐसा साबित करे ना कि नहीं जी सिर्फ रूहां ही आईयां सन, जिसम नहीं सी आए, तो कोई भी ऐसी आयत, कोई भी ऐसी दलील नहीं मिलेगी। नबी अपनियां कबरां चों आए ने ते बमैर जिसम आए ने। बल्कि हदीस की किताब मुस्तफा ने फरमाया, जो मैं हज वास्ते गया ना, हज वास्ते जो मैं गया, मैं देखिया है मूसा अलैहि सलाम भी आराम बद्दा होया भी, वह भी हज वास्ते आ रहे हैं। हदीस की किताब के अंदर, बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद आ। फरमाया जो मैं अगली बस्ती गया ना, उस जगह पर मैं यूनुस अलैहि सलाम नजर आए ने, उन्होंने भी आराम बद्दा होया तो वह भी हज वास्ते आए ने। विसाल तो बाद नबी हज वास्ते आ रहे हैं, बमैर जिसम आ रहे ने। इहदा मतलब यह साबित हो रहा गल तो, पता नहीं हर हज के मौके पर किन्ने क अल्लाह के नेक बंदे शामिल होंगे ने। यह तो यही साबित हो रहा है ना कि पता नहीं किन्ने क नेक बंदे अल्लाह के नबी अल्लाह के प्यारे जिहड़े हज के मौके पर शामिल होंगे होणगे। इमाम उल अंबिया ने उन्हां दी जमात कराई, जमात कराने तो बाद हजूर फारग होए, फिर अंबिया इत्थे रह गए, हजूर अगे फिर समाना वाली शहर चले गए। इंशाअल्लाह ताला कल जुमा है ना, जुमे ते बात करांगे।